दोस्तों भारत के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को द्वारिका एक्सप्रेसवे से जोड़ने की तैयारी चल रही है और ये चीज दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। एक एलिवेटेड हाईवे को बनाया जा रहा है जो कि इन दोनों एक्सप्रेसवे को आपस में जोड़ेगा। तो आइए जानते हैं ये कौन सा एलिवेटेड हाईवे है, कहां से कहां तक इसको जोड़ा जा रहा है, कैसे द्वारिका एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएगी और इससे यहां के लोगों को क्या क्या फायदा होगा, आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। दोस्तों भारत के सबसे लंबे और सबसे छोटे एक्सप्रेसवे को आपस में जोड़ने की बातचीत चल रही है। NHAI ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को द्वारिका एक्सप्रेसवे से कनेक्ट करने के लिए JMDA को क्लोवर लीप तैयार करने के लिए कहा है, यानी कि अब जल्द ही देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे पर सफर करने का रास्ता आसान होने वाला है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से द्वारिका एक्सप्रेसवे को जोड़ने की योजना पूरी तरह से साफ हो गई है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI ने NH-240A यानी कि गुरुग्राम सोहना एलिवेटेड रोड पर वाटिका चौक के समीप क्लोवर लीप तैयार करने की पहली मंजूरी गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण यानी कि JMDA को सौंप दिया है। अब JMDA की यह योजना है कि वो द्वारिका एक्सप्रेसवे और NH-48 को आपस में जुड़ने के लिए क्लोवर लीप से वाटिका चौक तक एक एलिवेटेड सड़क को बनाए। ऐसा माना जा रहा है कि इन दोनों के निर्माण से NH-41 SPR साउथर्न पेरिफोरल रोड और गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर भी भारी ट्रैफिक का बोझ कम होगा और दिल्ली NCR के लोगों को कम समय में अपने गंतव्य तक पहुंचने में सहूलियत मिलेगी। इस प्रोजेक्ट को जल्दी से विस्तार देने के लिए दिल्ली NHAI मुख्यालय पर अधिकारियों की बैठक भी हुई है जिसमें इसके निर्माण और कनेक्टिविटी को लेकर के चर्चा की गई है। लेकिन यहाँ पर टोल टैक्स को लेकर के एक बड़ा सवाल आता है। NHAI का कहना है कि NH-248 पर घामडोज गांव के समीप में ऑलरेडी एक टोल प्लाजा है, ऐसे में टोल टैक्स को लेकर के यहाँ पर कई तरह की आपत्तियां आ सकती है। उधर JMDA के मुताबिक NHAI की ओर से सैटेलाइट आधारित टोल लगाए जा रहे हैं, ऐसे में प्रति किलोमीटर के हिसाब से ही निर्धारित दर के मुताबिक वाहन चालकों को टोल शुल्क देना होगा। अब GPS सैटेलाइट सिस्टम के आधार पर आपसे टोल टैक्स ले लिया जाएगा। आप भारत के किसी भी एक्सप्रेसवे पर कितना भी किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लीजिए, आप जितना सफर कीजिएगा आपके अकाउंट से उतना पैसा कट जाएगा और इससे किसी प्रकार की कोई आपत्ति की गुंजाइश भी नहीं रहेगी कि हमने यहाँ पर भी टोल टैक्स दिया, हमने वहाँ पर भी टोल टैक्स दिया, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप जितना किलोमीटर डिस्टेंस कवर कीजिएगा हर व्यक्ति के लिए जो चार्ज कटेगा वही आपके लिए भी कटेगा, इसमें कोई एक्स्ट्रा चार्ज लेने की कोई डर नहीं है। सैटेलाइट टोल टैक्स सिस्टम के बारे में नितिन गडकरी ने खुद बताया था कि कैसे आने वाले टाइम में सैटेलाइट के माध्यम से टोल टैक्स को लिया जाएगा। वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम, इसको हम पूरे देश में लाएंगे, टोल नाका हटा देंगे, आपको कहीं रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके नंबर प्लेट का फोटो निकल जाएगा, आप जहाँ से एंट्री किए और जहाँ से बाहर निकले उतना ही टोल लगेगा और आपके बैंक अकाउंट से वो निकल जाएगा, आपको कोई रोकेगा नहीं, कोई तकलीफ होगी नहीं। ऐसी व्यवस्था कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के पहले देश में लागू करने का हम प्रयास करेंगे। तो गाइस ये था दिल्ली मुंबई और द्वारिका एक्सप्रेसवे से रिलेटेड अपडेट कि कैसे इन दोनों एक्सप्रेसवे को आपस में जोड़ा जाएगा। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।